बीच में है देख सकते हो, और यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक लोग आए हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है हमारे साथ जुबेर है, देख सकते हो। और आज हम लोग आ चुके हैं बेंगलोर के बहुत ही खास जगह पे घूमने के लिए, जो कि देख सकते हो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से वो सामने का व्यू। तो यहाँ पर जो है विधान सौदा है बेंगलोर में, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं घूमने के लिए और आप लोग को भी घुमाएंगे। और यहाँ पर ठीक अपोजिट में जो है हाई कोर्ट है कर्नाटका का, हम लोग डायरेक्ट इसके सामने आ चुके हैं, देख सकते हो। यही है विधान सौदा बेंगलोर का, जो कि देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। तो चलिए आप लोग को इसके नज़दीक में जा कर के दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा रहता है, नहीं रहता है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ से व्यू देख सकते हो विधान सौदा का, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। आप लोग को चलिए सामने से जाके दिखाता हूँ इसका व्यू कैसा है, नहीं है। और यहाँ से देख सकते हो हम लोग अभी नज़दीक में आ चुके हैं इसके, और इसके अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि लॉक लगाया गया है। इसमें जो काम करता है उसी के लिए एंट्री है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा है देखने में। और यहाँ पर एक स्टैचू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, और यहाँ से व्यू देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यार। तो चलिए अभी और आप लोग को सामने में जाकर दिखाता हूँ। आप लोगों को बता दूं इसके बारे में, जो कि इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम स्टार्ट हुआ था 1952 में स्टार्ट हुआ था, और इसे बनाने में 4 साल लग गया, जो कि कंप्लीट हुआ था 1956 में। और इसका जो कॉस्ट की बात किया जाए, तो खर्च की बात किया जाए, तो 14.8 मिलियन के आसपास इसमें खर्च लगा है। और इसकी हाइट की बात किया जाए तो 46 मीटर है, जो कि इसमें थर्ड फ्लोर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर तक ली ये बिल्डिंग है। और फ्रेंड्स बता दूं कि इसके सामने 2 स्टैचू है, जो कि एक स्टैचू जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्टैचू जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। और इसके लेफ्ट साइड में एक और स्टैचू है, जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो देख सकते हो यहाँ पर 2 स्टैचू है। और यहाँ से व्यू की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और इसके ठीक अपोजिट में, ठीक सामने में आप लोग को मिल जाएगा कर्नाटक का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक, जो कि देख सकते हो ये कर्नाटक का हाई कोर्ट है। और इसका एक और गेट देख सकते हो वो साइड है, तो इसका 2 गेट हम लोग को दिखा है यहाँ से। यहाँ से व्यू देख सकते हो, ये रोड का व्यू काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी साफ सुथरा है यहाँ पे बोला जाए तो, पूल क्लीननेस है देख सकते हो रोड। और यहाँ पर काफ़ी सारा पब्लिक लोग फोटो वगैरह शूट कर रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हो अभी हम लोग इसके बीच में आ चुके हैं, और इसके बीच का व्यू कैसा है, नहीं है, जो आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है यार, देख सकते हो कितना बड़ा बिल्डिंग है, जैसे तो उधर भी है और उधर भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और यहाँ पर फोटो शूट के लिए काफ़ी लोग हैं और काफ़ी पब्लिक लोग हैं, जो कि देख सकते हो। और यहाँ से जो है देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसके ठीक सामने आप लोग देख सकते हो कर्नाटक का हाई कोर्ट है वो जो देख सकते हो, और यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये मेन गेट है, वहाँ पर भी 2 गेट है, ये साइड भी 2 गेट है। तो अभी इसमें एंट्री नहीं है, इसमें एंट्री कभी है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके लिए है, पब्लिक के लिए एंट्री नहीं है। तो देख सकते हैं ये मेन गेट है, और ये हम लोग अभी बीच में है देख सकते हो, और यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक लोग आए हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा फोटो शूट कर लिए, वीडियो शूट कर लिए, अब घूम लिए, अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग आगे। अगर यहाँ का व्यू अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहीं पर एक मेट्रो स्टेशन भी है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से है मेट्रो स्टेशन, और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यार यहाँ पर, पब्लिक तो काफ़ी ज़्यादा है, और फोटो शूट वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक आप लोग से मिलते हैं छोटे से ब्लॉग के बाद अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।